प्रदेश सरकार में बनाई गई राज्य मंत्री अर्चना पांडे का आज उनके गृह जनपद कन्नौज में प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने बताया कि जिले की जनपद ने भरोसे के साथ उनको चुनकर विधानसभा भेजा है और वह उनके विश्वास पर खरी उतरेंगी और कहा कि प्रदेश सरकार ने जो भी संकल्प पत्र में लिखे है उसको पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिले में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। प्रदेश में पत्रकारों को सुविधा मिलने वाले सवालों पर उन्होंने कहा कि अभी मंत्रियों की कोई बैठक नहीं हुई है, आने वाले समय में इस पर भी बात की जाएगी। बहुत भरोसे के साथ जनता ने यहाँ से चुनकर भेजा है, बहुत बहुत विश्वास के साथ पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। प्राथमिकता की जहाँ तक बात रही, हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र ही हमारी प्राथमिकता है और उसमें किए गई जो बातें हम लोगों ने लिखी हैं उनको पूरा करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। और चूंकि मैं महिला हूं इसलिए महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य और उनकी पेयजल की समस्या पर पूर्णतः विचार करना भी मेरी प्राथमिकता होगी। आलू की जहाँ तक बात रही, अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चुनाव में आए थे, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि आलू से संबंधित एक उद्योग की स्थापना की जाएगी, जिसके नाते से हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को दोनों को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम सब प्रयत्नशील रहेंगे और शिक्षा इसको सुधारने के की तो बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर शिक्षा गुंडों और माफियाओं का अड्डा बन गए हैं, उनको ठीक करना इसके लिए हम सब काम करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, केवल कोई संस्थान बना देना ही काफी नहीं होता है, मंदिर बनाना काफी नहीं होता है, मंदिर को मंदिर की तरह रखना आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है हम सब मिलकर के मेडिकल कॉलेज जिस उद्देश्य से बनाया गया है उन उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे।